किसी ने हमारा बचा हुआ खाना भी चुरा लिया। अरे भाई, किसी ने मेरा खाना भी लूट लिया। हम सबका खाना गायब हो गया। मामूली गली को लूट लिया। हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? परवास पर इस मुसीबत का सामना हम सबको साथ में मिलकर करना होगा। इस बुरे वक्त में आपस में बात करने से नए रास्ते खुलेंगे। हमें क्या करना है ये एक साथ सोचना होगा। जरूर इसके पीछे जोरावर का हाथ है। मुझे तफ्तीश करनी होगी। मरने दो मामूली गली वालों को। कुछ कीड़े मरेंगे तो शाही सड़क की खूबसूरती बढ़ेगी। हमारा खाने का सामान पहले से ही शाही गोदाम में महफूज है। अब हमारे पास मामूली गली वालों का सामान भी है, इसलिए शाही सड़क वालों को खाने की कमी महसूस नहीं होगी। इस मुबारक मौके पर हम ऐसा जश्न मनाएंगे कि मामूली गली वालों के चीखने की आवाज है दब जाएंगे। जीवर तो शाही सड़क के चूसों का लगता है। कितना घटिया किस्म का आदमी है जरावर। तो ये चाल थी उसकी। अली, अली ये सब क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पूरी मामूली गली का खाना चोरी हुआ है। ये क्या है? जब वहां जोरावर सबको अपनी बातों में फंसा रहा था ना, तब उसके वो शाही गली के चूजे मामूली गली का खाना चुरा रहे थे। जोरावर और उसके दोस्तों की इस नापाक हरकत पर हम चुप नहीं बैठेंगे। अपनी आवाम को यूं भूखा नहीं मरने देंगे। ये वादा है हमारा आप सबसे। आज शाम मामूली गली के हर घर में चूल्हा जलेगा। नफी, मामूली गली में हुई चोरी में होना हो जोरावर का हाथ है। तो मुझे जोरावर की उसके दोस्तों की बातें सुना सकता है? और बाबा, मैं जानता हूँ कि कानाफूसी करना बुरी बात है, लेकिन सही इरादे से करना सही है। समझ गया बाबा। बाप देखो, नफी के कानाफूसी के हुनर का कमाल। नफी, क्या हुआ? बाबा, कुछ आवाज आ रही है। अब शाही सड़क वालों को खाने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे खाने का सामान पहले से ही शाही खुफिया गोदाम में महफूज है, और अब मामूली गली की रसद मिलने के बाद हमारे पास इतना खाना है कि 3 महीने बिना कुछ किए हम आराम से खा सकते हैं। इस बार हमने उन्हें वहां चोकी है जहां उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। इस काबिल काम के लिए एक छोटी सी दावत तो बनती है। अब मामूली गली में कभी भुखमरी खत्म नहीं होगी। अब खत्म होगी तो बस मामूली गली। परवाज में सिर्फ शाही सड़क के लिए जगह। इन कीड़ों के खत्म होते ही हम मामूली गली को अपने घोड़ों के अस्तबल में तब्दील कर देंगे। ये दावत हो कहां रही है? आवाज तो जोरावर के घर से आ रही थी बाबा, पर एक काम कर, तू घर जा, मैं आता हूं। ठीक है बाबा। ऊपर वाले ने मेरे अप्पू को जादू से इसीलिए नवाजा था कि वो जोरावर जैसे लोगों की ऐसी की तैसी कर पाए, और शायद मुझे भी ये तोहफा इसीलिए मिला है। अब तू देख सोरावर, ये बदतमीजी तुझे कितनी भारी पड़ने वाली है। बच्चों, हमें माफ करना, हमारे पास अभी इतना ही है, लेकिन आप इसे मिल बांट के खाइएगा। और वैसे भी मिल बांट के खाने से तो प्यार बढ़ता है और सेहत भी। ये लो।
खाला 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 उठिए, ये लीजिए, आप थोड़ा पानी पी लीजिए। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसी भुखमरी से तो हम सब मर जाएंगे। हम गरीबों का कोई रखवाला नहीं है, अब हम क्या करेंगे? है कोई जो इस मुसीबत से मैं बचा सके? या खुदा मदद कर। हम अपनी आवाम को यूं परेशान नहीं होने देंगे। जब तक मामूली गली का एक भी पेट भूखा है, हम खुद खाना नहीं खाएंगे। हम किसी भी कीमत पर कहीं ना कहीं से खाना और राशन लेकर आएंगे। ये वादा है हमारा हमारी आवाम से। फिर मेरी जेब में बहुत सारी दिनारी आ गई। अरे यही नहीं, मैं उन्हें भी लगा और जैसे मैंने हाथ ऊपर किया तो सारे लोग नीचे गिर गए और मजीना आपा के चाकू अंदर सही जगह पे लग रहे थे। पापा खुश थे लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था वहाँ कुछ जादू हो रहा है। देख पोया, इतनी फेंक कि मैं लपेट सकूं, तो ज्यादा नहीं हो गया? पता है तुम दोनों को, आज मैंने और बाबा ने हमाम में जोरावर की बातें सुनी। जोरावर अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहे, वो भी मामूली गली से चुराए हुए खाने से। जोरावर कह रहा था कि किसी खुफिया शाही गोदाम में वो सारा खाना महफूज है, बस ये नहीं पता लग पाया कि वो गोदाम है कहाँ। शाही गोदाम शाही सड़क में ही कहीं होगा। लेकिन ये जोरावर ऐसा कर कैसे सकता है लोगों के साथ? हमें उस खुफिया गोदाम को ढूंढने के लिए शाही सड़क पर जाना होगा। चलो कोया, चलो। बोला, हमें आपकी मदद चाहिए। मुझे आपकी मदद करके बहुत मजा आया। बोलिए, ये पोया आपकी क्या मदद कर सकता है? पोया, हम चाहते हैं कि आप शाही सड़क के पहरेदारों को गुमराह करें ताकि हम शाही सड़क के अंदर जा सकें। लेकिन आपको शाही सड़क क्यों जाना? उन लोगों ने हमारा राशन और खाना चुराया ना, अब हम उनका राशन और खाना चुराएंगे। हमारी आवाम भूखी नहीं रहेगी पोया। मुझे पता है क्या करना है। आप तैयार रहना, मेरा इशारा मिलते ही आप जल्दी से अंदर आ जाना। ठीक है। बिरादर, दो मेरा खाना। ऐसे देख क्या रहे, भूल गए अपने वादा? कौन हो तुम? कौन सा वादा? वही वादा, अगर मैंने बकरे को चराने में तुम्हारी मदद की तो तुम मुझे शाही सड़क के गोदाम से थोड़ा सा खाना दोगे। वादा तो ना गंदी बात होती है। ये बच्चा झूठ बोल रहा है? बच्चे झूठ नहीं बोलते। अगर यकीन नहीं हो रहा ना तो ये देखो, देखो लग रहा है ना एकदम शाही सड़क का। इतने लाल से मामली गली में कहाँ मिलते हैं? हमारे साथ नहीं आ सकते, वहां पर बहुत खतरा है। अरे दोस्त, आपने तो कहा था कि हम लोग साथ में शाही सड़क आएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जोरावर के घर के उस हिस्से में पहुंच जाऊं जहां से मैं दावत तो देख पाऊं लेकिन कोई मुझे ना देख पाए। उस मामूली कीड़े अली बाबा को तो यह पता भी नहीं चला होगा कि उसके साथ हुआ क्या है। शाही सड़क तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरे साथ जो हुआ वो कैसे हुआ।
बोया। हमने पूरी शाही सड़क छान मारी लेकिन वो गोदाम कहीं नहीं मिला। अब पता करने का एक ही जरिया है, हमें अंदर जाना होगा। हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? और किसी ने हमें पहचान लिया तो? किसी ने हमें शाही सड़क में देख लिया तो तमाशा बन जाएगा। एक तरकीब है हमारे पास, चलो बोया। कोई भी दावत तमाशे के बिना पूरी नहीं होती। तैयार हो जा जोरावर, तेरी बदतमीजी का जवाब मिलने वाला है तुझे। सलाम सलाम सलाम। मर्जीना बोया, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? सलाम। कौन है आप लोग और आपको अंदर किसने आने दिया? चलती तुम शाही सड़क की सुल्तान होती, इसलिए हम तुमसे मिलने आती। तुम तमाशा दिखाएगा, तुम सबको हंसाएगा और सुल्तान का इनाम लेकर जाएगा। कितने बड़े नशेबाज और बेवकूफ हैं ये शाही सड़क वाले, मर्जीना और पोया को पहचान तक नहीं पा रहे। तो फिर देर किस बात की? हो जाए थोड़ा तमाशा, हो जाए थोड़ी तफरी। ये लोग तो नशे में धुत हैं। यही सही वक्त है, हमें खुफिया अनाज खाने को ढूंढने के लिए निकलना होगा। ये मर्जीना जा कहां रही है? जोरावर ने जो खाना और राशन चुराया वो उसने छुपाया कहाँ होगा? यहाँ तो कोई सुराग भी नहीं है, कैसे पता लगा है? वाह मर्जीना वाह, तुम भी मामूली गली के लोगों की मदद करना चाहती हो। तुम्हें अली बाबा का सलाम, ये बात तुम्हारे दिल को छू गई। मैं चाहता हूं कि मर्जीना को खाने और राशन के खुफिया गोदाम का रास्ता मिल जाए।
मर्जी नए खाना मामूली गली तक पहुंचाई देगी। अब बारी है जोरावर को सबक सिखाने की। चल बेटा। ये रास्ता तो यही अस्तबल में खत्म हो गया और आगे तो कुछ है भी नहीं। लगता है हमें कहीं और ही जाके ढूंढना होगा। सारा अनाज तो ये है खुफिया गोदाम। ये कोई सलीका है अपने मालिक की खिदमत करने का? मामूली नौकर? पोया का यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पोया मर्जीना के पास दरवाजे चला जाए। पोया? आज हम इस मामूली कीड़े को तमीज सिखा के रहेंगे। बड़ा मजा आता है ना तुझे जुल्म करने में। अब जुल्म का जायका तू चक्कर देख सरावर। ये कहां से आया? ये पत्थर कहां से आया? किसने मारा? जरा देखो उसे को, जरा ये गुस्ताख कौन है? कहां से आया? कौन है ये गुस्ताख? मेरी अगर हिम्मत है तो सामने आके दिखाओ। गरीबों का खाना चुरा के बहुत मजा आ रहा है ना तुम सबको? आवाज उड़ा रहे हो सबके साथ। कौन है? हिम्मत हो सामने आओ। अब मामूली गली में कोई भूखा नहीं रहेगा, लेकिन हम ये सारा राशन और खाना लेके कैसे जाएंगे? बोया, डरा दिया आपने हमें। मर्जी ना पा, एक दोस्त को दूसरे दोस्त से डरना नहीं चाहिए। अब मैं आ गया हूँ ना, तो बताइए क्या करना है। तो दोस्त, ये सारा खाना और राशन देख रहे हैं आप, हमें इसे शाही सड़क से मामूली गली में पहुँचाना है। लेकिन मर्जी ना पा, हम दोनों पूरी थोड़ी ना है, इतना सारा खाना लेकर कैसे जाएंगे?